नमस्कार, मैं हूं गरिमा। स्वागत है आपका दस्तक लाइव में। आइए बढ़ते हैं सहारनपुर की खबरों की ओर। सहारनपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। सहारनपुर क्षेत्र के अंतर्गत लूट की एक बड़ी घटना का खुलासा करने में जिला पुलिस टीम को सफलता हासिल हुई है। अपराधियों ने कट्टे की नोक पर शराब से भरे कंटेनर लूटकर क्षेत्र में सनसनी फैला दी थी, परंतु आरोपियों के मंसूबों को नाकाम करते हुए सहारनपुर पुलिस थाना प्रभारी वीरेंद्र धाकड़ एवं उनकी टीम में 24 घंटे के भीतर जिला पुलिस कप्तान प्रदीप शर्मा के नेतृत्व में संयुक्त टीम के साथ कार्यवाही करते हुए आरोपी एवं शराब से भरा कंटेनर हुंडई कार को भी जब्त कर लिया है। पुलिस पूरे मामले में आरोपियों से पूछताछ कर रही है। दस्तक लाइव में हूं सलमान अली, और आज पुलिस ने एक बड़ा जखीरा शराब का पकड़ा, बड़ी सफलता हासिल की है। तो हमारे साथ इसी पर खास बातचीत करने के लिए राजगढ़ जिले के पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा जी मौजूद हैं। किस तरह से आरोपी शराब के भरे ट्रक को लेकर जा रहे थे, विस्तृत से चर्चा करते हैं। सर, क्या है पूरा मामला? ये एक ट्रक शराब से करीबन 1600 पेटियाँ इसमें थी, 50 लाख रुपए की शराब थी। ये बड़वा से निकला था अपने गंतव्य पर जाने के लिए। इसको इंदौर में बीच में ही एक असेंट गाड़ी जो आप देख सकते हैं उसमें 4-5 लोगों ने इसको लूट लिया, और इसका जो ड्राइवर था उसके हाथ पैर बांध कर उसको हमारे यहाँ पड़ाना के पास सातनखेड़ी एक गाँव है वहाँ पर फेंक दिया। उसके बाद जब उस ड्राइवर के बारे में सूचना मिली तो उससे पूछताछ की गई, तो पूरा घटनाक्रम क्लियर हुआ। फिर इसमें मुखबिर लगाए गए, जिसमें से एक मुखबिर ने ये सूचना दी कि ये ट्रक यहाँ मूवमेंट कर रहा है। उसी के बाद ट्रक को भी पकड़ा गया और उसी की निशानदेही पर ये गाड़ी भी पकड़ी गई है। इसमें टोटल 6 आरोपी हैं, जो 2 यहाँ के रहने वाले हैं, असरेटा तलेन के रहने वाले हैं, और बाकी लोग इंदौर उज्जैन के हैं। इसमें एक बाल अपचारी भी है, इनसे एक कट्टा भी बरामद किया गया है और पूरा ट्रक बरामद किया है जिसमें भी 1600 पेटी शराब भरी हुई है। सर, लगभग देखा जाए लगातार राजगढ़ जिले में इस तरह की बड़ी बड़ी कार्रवाई हुई, चाहे हम बोड़ा की बात करें, बिहारा की बात करें, तो सहारनपुर में भी एक पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। पहला इस तरह की कार्रवाई सहारनपुर में कभी देखने को नहीं मिली। नहीं, ऑब्वियसली देखिए, इसमें जनता की बहुत सहयोग है। जैसे मैंने आपको बताया कि मुखबिर सूचना हमें मिलती है, लोगों का पुलिस पर विश्वास है, लोग पुलिस को सूचना भी बताते हैं अगर इस तरह के कोई अवैध धंधे चलते हैं, और उन्हीं सूचनाओं को हम डेवलप करके इस पर कार्रवाई करते हैं। मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से हमारी कार्रवाइयाँ जारी हैं, लोगों को विश्वास बना रहेगा और लोग इस तरह की सूचनाएं देते रहेंगे, जिससे हम लगातार इन सभी अवैध धंधों को बंद कर सकें। जैसे मुख्यमंत्री जी ने 3 दिन पहले भी एक स्टेटमेंट जारी किया था कि अपराधी समझे नहीं कि उनके ऊपर से नज़र हट गई है, कहीं भी अपराधियों को छोड़ा नहीं जाएगा, क्या ये वही कार्रवाई? बिल्कुल बिल्कुल, आप निश्चिंत रहें। हम लोगों ने करीबन 450 ऐसे चिन्हित अपराधी हैं जिनकी निगरानी फाइलें और गुंडा फाइलें खोलनी हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन अनुसार, और उन सभी पे हम बाउंड ओवर की कार्रवाई कर रहे हैं। इन सभी को सर्वेलेंस पे भी रखा गया है। इनके बारे में जो भी सूचनाएं प्राप्त होती हैं, इनकी जो भी गतिविधियाँ हैं, उस पर लगातार नज़र रखी जाती है। साथ में इनके जो एसोसिएट्स हैं उनके संबंध में भी हम जानकारी बना रहे हैं, इनकी फाइलों में अपडेट कर रहे हैं, और उन पर भी नज़र रखी जा रही है। अगर इस तरह की गतिविधियों में शामिल होते हैं तो सभी के अनुसार सभी के विरुद्ध विधि अनुसार कार्रवाई की जाएगी। निश्चित तौर पर ये राजगढ़ जिले के पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा जी थे। लगातार जिस तरह से बड़वा से चलकर सहारनपुर की ओर आ रहा लूटी गई शराब को सहारनपुर पुलिस थाना प्रभारी वीरेंद्र धाकड़ SDOP सुश्री जोईस दास के मार्गदर्शन में पुलिस की बड़ी कामयाबी ये मानी जाएगी। तो कैमरा पर्सन सिंधु सोलंकी के साथ सलमान अली, दस्तक लाइव, सहारनपुर। इन्होंने फैक्ट्री के बाहर इस कंटेनर को देखा, MP09GG99/5 और रामबाबू जाटव को बताया। इसने अपने 2 साथियों के साथ इसको बुलाया और यहाँ पर बद्रीलाल परमार के माध्यम से इसको निकाल कर यहाँ पर छपाने का इनका प्लान था। इसी बीच में इस ट्रक को हमारे द्वारा पकड़ लिया गया और गाड़ी को भी पकड़ लिया गया। पूरे कार्य में जो पूरी टीम है उसको 10,000 रुपये का इनाम दिया जाता है। साथ ही जो शराब है वो भी इसमें जब्त की गई है। शराब की वैधता या अवैधता के बारे में जो उचित धाराएँ हैं वो बढ़ाई जा रही है। इसके संबंध में अभी हम बड़वा फैक्ट्री और जो ड्राइवर है उससे भी पूछताछ करेंगे, जो ट्रक का मालिक है उससे भी पूछताछ करेंगे और